यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र विधायक आलोक चौरसिया के हाथों सोमवार को चैनपुर प्रखंड अंतर्गत सगरदी नाबा की मस्करी नाला और चंदो गांव में बनने वाले पुलिया निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। दोनों पुलिया का निर्माण क्रमशः 40 और 45 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। वहीं शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक श्री चौरसिया ने कहा कि पुलिया बन जाने से आवागमन में लोगों को सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा क्षेत्र पहाड़ और नदी नालों से घिरा हुआ है और गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने की दिशा में पहल करते हुए ही आज पुलिया निर्माण की आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है और सबका साथ और सबका विकास की मूल मंत्र पर चलकर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जा रही है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की चर्चा भी की और अधिकाधिक लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मौके पर गुलाब भैया, हृदय सिंह, युगल किशोर सिंह, कविता देवी, क्यू मंसारी और अमलेश चौरसिया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे।